जिस थाली में खाना खाओ उसी थाली में छेद कैसे करना है, इसमें अगर किसी देश के लोगों को महारत हासिल है तो वह बांग्लादेश। कल को अगर भारत की सरकार अचानक से उठकर ये फैसला कर लेगी भारत आज के बाद बांग्लादेश को आटा और चावल ये दोनों ही चीजें सप्लाई नहीं करेगा, उसी से बांग्लादेश की सरकार घुटनों के ऊपर आ जाएगी और बांग्लादेश के लोगों को भी पाकिस्तान की तरह आटे और चावल के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी। बांग्लादेश की पिछले साल की आटे की कंजप्शन है 75 लाख मैट्रिक टन, उसमें से 25 लाख यानी कि 33% बांग्लादेश ने भारत से परचेज किया था, जबकि टोटल राइस कंजप्शन का 6 से 7% बांग्लादेश भारत से इम्पोर्ट करता है। अगर यही दोनों चीजें भारत ने बंद कर दी तो अगले दिन से बांग्लादेश में भी आटे और चावल के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे, एंड अगर भारत ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी तो पूरे का पूरा बांग्लादेश अचानक से बंद पड़ जाएगा। आज बांग्लादेश को लेकर दो अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की सरकार को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अडानी ग्रुप को इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स क्लियर नहीं कर रहा है। अडानी ग्रुप ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी लेकिन तब भी बांग्लादेश ने अभी तक अडानी ग्रुप को पेमेंट क्लियर नहीं की है, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली आधी काट दी थी और अडानी ग्रुप 1496 मेगावाट में से सिर्फ 700 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। अब इन सब के बाद अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को नई डेडलाइन दी है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी है, यानी कि आज से ठीक 3 दिनों के बाद की। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की सरकार 7 नवंबर से पहले पहले उनकी पेमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं करती है तो फिर अडानी ग्रुप, जो कि आज की डेट में आधी बिजली यानी कि 700 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, वो भी अडानी ग्रुप पूरी तरह से काट देगा और फिर बांग्लादेश को कोई भी बिजली सप्लाई नहीं होगी। अडानी ग्रुप ने कहा है कि झारखंड पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी वो 7 नवंबर के बाद भारत की दूसरी स्टेट्स को डाइवर्ट कर दी जाएगी। वैसे भी भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था वो उसी के दायरे में रहकर ये सारे स्टेप उठा रहे हैं। उनको बांग्लादेश की बिजली पूरी तरह से काटनी पड़ेगी क्योंकि अब इससे कंपनी के ऑपरेशंस काफी प्रभावित हो रहे हैं और कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप को $846 मिलियन की पेमेंट क्लियर करनी है, जो कि भारत की करेंसी में इंडियन रुपीज में 7,100 करोड़ रुपए बनते हैं। आज की नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो एक पिक्चर है जो कि बांग्लादेश की तरफ से काफी वायरल हो रही है। पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एम्बुलेंस की पिक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का झंडा लगा हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने इन एम्बुलेंसेस के ऊपर से भारत का झंडा हटाना स्टार्ट कर दिया है। इन एम्बुलेंसेस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 2-3 साल पहले 2021 में बांग्लादेश की आजादी को 50 साल पूरे हुए थे और इसको मनाने के लिए शेख हसीना सरकार ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश जाकर उस विजिट में बांग्लादेश के लोगों के लिए फ्री COVID-19 की वैक्सीन तो दी थी, लेकिन उसके साथ साथ 109 एम्बुलेंसेस भी गिफ्ट के तौर पर बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स को दी थी, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको कोविड हो गया है उनको समय के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनका समय के ऊपर इलाज हो। अभी जो एम्बुलेंसेस भारत ने गिफ्ट की थी इनके ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का झंडा एक साथ लगा हुआ था और बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि इन्हीं एम्बुलेंसेस को अब टारगेट किया जा रहा है और भारत के तिरंगे झंडे को एम्बुलेंसेस के ऊपर से हटाया जा रहा है। आई होप कि भारत की सरकार दोबारा दानवीर ना बने, एटलीस्ट जब तक बांग्लादेश के लोगों की अकल ठिकाने ना लगे।